नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ऋषभ शर्मा। दोस्तों, हमारे देश में एपिलेप्सी यानी मिर्गी को लेकर कई गलत धारणाएं और भ्रांतियां प्रचलित हैं। इन गलत धारणाओं और गलत भ्रांतियों को दूर करने के लिए आज हमारे साथ है जयपुर की प्रसिद्ध और अनुभवी न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर भावना शर्मा। डॉक्टर भावना मैम साथ में हमें बताएंगी कि एपिलेप्सी यानी मिर्गी क्या होती है और कितने प्रकार की होती है। डॉक्टर भावना शर्मा मैम जयपुर की प्रसिद्ध सवाई मानसिंह अस्पताल के न्यूरोलॉजी विभाग में सीनियर प्रोफेसर हैं और इकाई प्रमुख हैं। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन डॉक्टर भावना शर्मा मैम के साथ। हाय एवरीवन, मैं डॉक्टर भावना शर्मा, वरिष्ठ आचार्य एवं इकाई प्रमुख न्यूरोलॉजी विभाग सवाई मानसिंह चिकित्सालय। आज मैं आप सबके बीच मिर्गी या भारतीय संस्कृति में जो सबसे पुरानी बीमारी चली आ रही है, जिसे हम पहले कहते थे अपस्मार, उसके बारे में बात करने आए हैं। मेरी बात प्रारंभ करने से पहले मैं मेरे प्रेरणा स्रोत डॉक्टर श्री अशोक जी पानगढ़िया, जिनकी प्रेरणा से आज मैं न्यूरोलॉजिस्ट हूँ, उनको नमन करती हूँ और मेरे माता पिता को भी नमन करना चाहती हूँ, क्योंकि वो भी मेरे प्रेरणा स्रोत रहे हैं। आप सबको मैं बताना चाहती हूँ कि मिर्गी आखिर होती क्या है। जैसे हम कहीं रास्ते में जाएं, कोई व्यक्ति अचानक से आपको ऐसा दिखे कि उसको जर्क आ रहे हैं, कुछ असामान्य स्थिति में है, सडनली किसी व्हीकल से गिर गया है या बेहोश सा प्रतीत होता है, अक्सर हम उसके आसपास रुक जाते हैं और हम घबरा से जाते हैं कि भाई इसको क्या हो रहा है। मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि इतनी डरावनी बीमारी मिर्गी नहीं है। अगर हम डेफिनेशन वाइज माने तो विश्व की 10% जनसंख्या को जीवन में कभी न कभी किसी न किसी कारण से एकाध दौरा आ जाता है, परंतु यह मिर्गी नहीं है। मिर्गी हम उसे कहते हैं कि अगर किसी के मस्तिष्क के अंदर विद्युतीय तरंगों के अत्यधिक प्रवाह से ये दौरे अगर बार बार आने लगे। अब हम ये समझते हैं कि क्या ये कोई पिछले जन्म के पाप का फल है, जो कि अक्सर लोग कहते हैं, या ये कोई स्नायु विकार है। मैं आप लोगों को यहाँ बड़ा क्लियर करना चाहती हूँ कि ये वो बीमारी है जो सदियों से भ्रांतियों से ग्रसित रही है। लोग ये कहते हैं कि ये तांत्रिक विद्या का दुष्प्रभाव है, ऊपर की हवा का असर है, पिछले जन्म के पापों का असर है या व्यक्ति के दुष्कर्मों का फल है। ये सब बातें कतई सही नहीं हैं। जिस तरह अन्य बीमारियाँ होती है, ब्लड प्रेशर होता है, शुगर होता है, सर दर्द होता है, इसी प्रकार ब्रेन भी एक मस्तिष्क से पैदा होने वाली बीमारियों के अंदर मिर्गी का शुमार किया जाता है। मिर्गी स्नायु रोग विकार है। अक्सर किसी क्षण किसी पर्टिकुलर कारण या किसी प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर की वजह से अगर ब्रेन के अंदर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का प्रवाह ज़्यादा हो जाता है तो वह उस हिस्से से आसपास के हिस्से में फैलने लगता है। अगर वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का प्रवाह उसी हिस्से में रहता है तो छोटे या आंशिक दौरे आते हैं, जिनको हम इंग्लिश में कहते हैं पार्शियल सीजर्स। अगर ये दौरे मस्तिष्क के पूरे हिस्से में स्प्रेड हो जाते हैं या इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का स्प्रेड पूरे ब्रेन में होता है तो ये दौरे जनरलाइज सीजर्स भी बन जाते हैं। अक्सर हम लोग जो जिनको दौरे कहते हैं या जिनको आप लोग दौरे समझते हैं या हम लोग मानते हैं कि दौरे आ गए, वो बड़े दौरे ही होते हैं, क्योंकि जो छोटे या जो आंशिक दौरे होते हैं अक्सर जनरल पब्लिक उसको समझ ही नहीं पाती। हम देखते हैं अक्सर ऐसे पेशेंट साइकियाट्री सेंटर तक चले जाते हैं कि भी थोड़ी देर के लिए ये तो पागलपन की अवस्था में चले जाते हैं, परंतु ये पागलपन नहीं है, क्षणिक ब्रेन के अंदर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का चेंज है जो व्यक्ति को आंशिक दौरे पैदा कर सकते। तो आइए हम ये जाने दौरे कितने प्रकार के होते हैं। दौरे जनरलाइज टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स भी हो सकते हैं, जिसमें आपकी बॉडी के सभी अंग फड़कने लगते हैं और व्यक्ति के यूरिन तक निकल सकता है, दांत के अंदर जीभ आ सकती है, सिर में चोट लग सकती है गिरने से और व्यक्ति बेहोश हो सकता है। इस प्रकार के दौरों पे ध्यान देने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। जैसे कि मैंने कहा, अक्सर जब हम किसी को इस तरह के दौरे की अवस्था में देखते हैं, कुछ बाईस्टैंडर्स वहाँ रुक जाते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि उस पर ध्यान ही नहीं देते, आगे चले जाते हैं। परंतु सोचिए, अगर आपके किसी अपने के ऐसी अवस्था हो
और कोई दूसरा उसको ऐसे ही छोड़ के चला जाए तो हमें कितना बुरा लगेगा। मैं सबसे ये कहना चाहती हूँ कि अगर हम कभी भी ऐसे किसी पेशेंट को देखते हैं जिससे कि हमें लगता है कि ये दौरा आ रहा है या दौरा की अवस्था में चल रहा है, हम सबका एक कर्तव्य है ऐसे पेशेंट को हम तुरंत निकट के अस्पताल में एक बार पहुँचाएँ, क्योंकि ये बीमारी बिल्कुल ठीक होने वाली है और वो दौरों को आप नियंत्रण में कर सकते हो। तो ये तो हुई बात बड़े वाले दौरों की, या जिनको हम कहते हैं जनरलाइज्ड टॉनिक क्लॉनिक कन्वर्जेंस। कमिंग टू अदर टाइप्स ऑफ फिट्स, छोटे दौरे जिनको हिंदी में हम कहते हैं आंशिक दौरे या पार्शियल सीजर्स, कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं सिंपल पार्शियल सीजर्स को। सिंपल पार्शियल सीजर्स जो होते हैं उसमें मस्तिष्क के किसी हिस्से में किसी पर्टिकुलर विकार की वजह से इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बढ़ती है और उसकी वजह से व्यक्ति का एक साइड, जैसे कोई हाथ है, पांव है या फेस का एक साइड है, अचानक से फड़कने लगता है, उसमें फ्लिकरिंग होने लगती है। यह फ्लिकरिंग 2-4 मिनट रह सकती है और अक्सर इसके बाद व्यक्ति का दौरा खत्म हो जाता है। इसे कहा जाता है आंशिक दौरा या सिंपल पार्शियल सीजर्स। अगर ये सिंपल पार्शियल सीजर्स बार बार आने लगे, दवाई नहीं दी जाए, तो ये अक्सर पूरे ब्रेन में इसकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के स्प्रेड होने की वजह से पूरे अपोजिट साइड ऑफ बॉडी, सेम साइड ऑफ बॉडी को इन्वॉल्व कर सकता है और पूरी की पूरी बॉडी जर्क कर सकती है। इसे हम कहते हैं सिंपल पार्शियल सीजर्स विथ सेकेंडरी जनरलाइजेशन। हम लोगों का प्रयत्न ये होना चाहिए कि ऐसे किसी भी व्यक्ति के इफ़ ही कम अक्रॉस तो हम उसको तुरंत डॉक्टरी सलाह की सलाह दें कि आप तुरंत न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाइए, क्योंकि ये दौरे अगर एप्रोप्रिएट इन्वेस्टिगेशंस और दवाओं से वहीं रुक जाते हैं तो व्यक्ति की तकलीफ बढ़ने से रुक सकती है। दूसरे प्रकार के आंशिक दौरे होते हैं कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर्स। कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर्स को आइडेंटिफाई करना वास्तव में बहुत ही डिफिकल्ट है और कई बार हम ये देखते हैं कि इवन डॉक्टर्स के हाथों से भी ये दौरे मिस हो जाते हैं और अक्सर ये माना जाता है कि थोड़ी देर के लिए कुछ गड़बड़ हो गई, जरूर कोई साइकेट्रिक प्रॉब्लम होगी। आइए मैं आपको बताती हूँ कि कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर्स के मेन सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं। कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर्स के अंदर अचानक से व्यक्ति बैठा बैठा होठों को काटने लगता है, जैसे कि मैं आपको अभी करके बता सकती हूँ कि कैसे उसको सिम्टम्स स्टार्ट होते हैं। इस तरह के दौरे तो हार्डली किसी को ही अंदाज होता है कि ये कोई दौरा भी हो सकता है। अचानक से होठों को वो कुछ ऐसा लगता है जैसे कुछ अंदर चबा रहा है, कुछ खा रहा है पेशेंट, और साथ ही साथ उसकी आईज एक तरफ वो हो जाती है। उस बीच अगर आसपास के लोग पेशेंट से कोई भी बात करना चाहते हैं, आपको उस समय वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, जबकि सिंपल पार्शियल सीजर्स में आपको रिस्पॉन्ड कर सकता है, वो कह सकता है कि मुझे तकलीफ हो रही है। परंतु कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर्स के अंदर व्यक्ति आसपास के एनवायरनमेंट से बिल्कुल ही कट जाता है और वो अपनी ही एक अलग दुनिया में चला जाता है। ऐसी स्थिति कुछ समय रहती है, उसके बाद में अगर बाय द वे इस तरह के दौरों का ट्रीटमेंट अगर हो जाता है तब तो व्यक्ति इन दौरों से मुक्त हो सकता है। परंतु अगेन वही बात, अगर ये दौरे मिस हो जाते हैं तो वही इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो ब्रेन के एक पर्टिकुलर टेम्पोरल लोब के हिस्से से स्टार्ट होती है वो पूरे ब्रेन में स्प्रेड हो सकती है और ऐसे व्यक्तियों को भी फिर जनरलाइज टॉनिक क्लॉनिक कन्वर्जेंस हो सकते हैं। मेन जो नुकसान होता है बॉडी को वो जनरलाइज टॉनिक क्लॉनिक कन्वर्जेंस से होता है। इसलिए हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि अगर हम किसी भी एपिलेप्सी के पेशेंट को देखें, चाहे उसके सिंपल पार्शियल सीजर हो चाहे उसके जनरलाइज सीजर्स हो, हम तुरंत डॉक्टरी सलाह लें ताकि उसके ब्रेन को हम लोग समय पर ही हील करें और साथ ही साथ उसकी बॉडी के अंगों को नुकसान ना पहुंचे जो कि दौरा पड़ने से हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ अन्य प्रकार के दौरे जो होते हैं वो कहलाते हैं, एक तो मायोक्लोनिक सीजर्स। मायोक्लोनिक सीजर्स ये होते हैं कि जैसे 10 से 15 साल की उम्र के बीच में स्टार्ट होते हैं, यंग बच्चों में होते हैं। अचानक से पेरेंट्स से कंप्लेन करने लगते हैं कि सुबह जैसे ही बच्चा उठ के वॉश बेसिन पे गया, मुँह पे उसने कुछ पानी डालने की कोशिश की, अचानक से उसकी हाथ झटक जाते हैं और पानी छटक सकता है और वो बच्चा जो है उसको झटका सा आ जाता है। ये मायोक्लोनिक सीजर्स की एक एपिलेप्सी होती है जिसको हम कहते हैं जुवेनाइल मायोक्लोनिक एपिलेप्सी। उसका सबसे शुरुआती लक्षण है। इसके अलावा मायोक्लोनिक सीजर्स के पेशेंट को इन एपिसोडिक झटकों के अलावा
बड़े दौरे भी आ सकते हैं। और एक तीसरा प्रकार का दौरा जिसको हम कहते हैं एब्सेंस सीजर्स, वो भी मायोक्लोनिक एपिलेप्सी के पेशेंट्स को आ सकता है। एब्सेंस सीजर्स के अंदर, एब्सेंस सीजर्स एक इस प्रकार का दौरा होता है जिसमें कि 6 से 10 साल की उम्र के बीच के बच्चों को होता है। अक्सर पेरेंट्स ये कंप्लेन करते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे बच्चे को उस कुछ इस प्रकार की एक्टिविटी होती है जिसमें इसकी आंखें ऊपर चढ़ जाती हैं और ये आंखें फ्लटर करने लगती हैं। मैं आपको करके एक डेमो दे सकती हूँ उसका, बच्चा इस प्रकार करने लगेगा। इसी बीच बच्चे का होश भी कम होगा और बच्चा एक तरफ देखने लग जाएगा और ऑटोमेटिजम्स जो हम कहते हैं, हाथ जो होता है, इस तरह के दौरे एब्सेंस सीजर्स होते हैं। इस प्रकार के दौरों से इन बच्चों की स्कूल परफॉर्मेंस कम होती है। ये अटैक बच्चों को एक दिन में 10 से लेके 20 से लेके 50-60 टाइम तक रोज आ सकता है। क्योंकि स्कॉलेस्टिक परफॉर्मेंस कम होती है तो पेरेंट्स की वरी उचित है और वो तुरंत डॉक्टर को दिखाते हैं। इसे हम कहते हैं एब्सेंस सीजर्स, पर दवाइयों से ये दौरे भी बिल्कुल कंट्रोल में आ सकते हैं। और अक्सर एब्सेंस सीजर्स जो होते हैं वो मायोक्लोनिक एपिलेप्सी के साथ साथ एग्जिस्ट करते हैं और इस बीमारी का नाम हम कहते हैं जुवेनाइल मायोक्लोनिक एपिलेप्सी। इसके अलावा जो छोटे बच्चे में जो दौरे होते हैं वो होते हैं एटोनिक सीजर्स। एटोनिक सीजर्स वो होते हैं कि जैसे 1 से 5 साल के, 6 साल के बीच के बच्चे हैं, खड़े हैं, अचानक से गिर जाएंगे लेकिन उनका होश मेंटेन रहेगा, गिर के वो वापस उठ जाते हैं। पेरेंट्स ये मानते हैं कि बच्चा गिर गया, उठ गया, परंतु उसको इतना सिंपली ना लिया जाए और इसके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए कि इट कैन बी एटोनिक सीजर्स ऑल्सो। इसके अलावा जो और दौरे होते हैं जो बहुत ही छोटे बच्चों में आते हैं वो हो सकते हैं फ्लेक्सर स्पाज्म। अचानक से 6 महीने से लेकर साल भर के बच्चों के बीच दौरे आते हैं तो अचानक बच्चे का गर्दन नीचे होती है, हाथ में झटका आता है। ये दो प्रकार से हो सकता है, या तो गर्दन आगे आ जाए या गर्दन पीछे चली जाए। अगर गर्दन आगे आती है तो हम कहते हैं फ्लेक्सर स्पाज्म ऐसे, और अगर पीछे चला जाए ऐसे। इस प्रकार के दौरों को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। अक्सर पेरेंट्स इस बात पे इतनी तवज्जो नहीं देते, उन्हें महसूस ही नहीं होता कि हमारे बच्चे को दौरे हैं। महसूस कब होने लगता है? जब इस प्रकार की बीमारियों में और लक्षण भी आने लगते हैं, जैसे दिमागी समझ कम होने लगती है, अन्य प्रकार के दौरे भी इस प्रकार के झटकों के साथ को एग्जिस्ट करने लगते हैं, तभी वो उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर पेरेंट्स पहले ही ओकेजन पे इन दौरों को आइडेंटिफाई कर ले तो वो उस बच्चे का प्रोग्रेसिव ब्रेन डैमेज होने से रोक सकते हैं और उचित डॉक्टरी सलाह और उचित ट्रीटमेंट को प्रारंभ कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आप सब लोगों का बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। नमस्कार। तो दोस्तों, आज हमारे साथ थी डॉक्टर भावना शर्मा मैम और उन्होंने हमें बताया कि एपिलेप्सी यानी मिर्गी क्या होती है और कितने प्रकार की होती है। बाकी हेल्थ और मेडिकल से रिलेटेड ऑथेंटिक, रिलायबल और यूज़फुल इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारा YouTube चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए। बाकी अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। थैंक यू, टेक केयर।